Dear friends, today I am going to discuss with you about the fundamental of the organization. Still, many of us are not able to explain it. Some of the points have to be clarified properly. So, being a member of the organization, we must know what is our fundamental. जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था बिना उसके सिद्धांतों के, बिना उसकी परिभाषा के, बिना उसके उद्देश्यों के और बिना उसके मेथड के कि वो किस प्रकार से चलेगी, वो नहीं चल सकती है. द फंडामेंटल हैज बीन डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स. द फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकंड इज पर्पज, थर्ड इज प्रिंसिपल्स एंड द फोर्थ इज मेथड. So today we will discuss about the definition of the organization and the purpose. So let us see what is the definition. So the definition of the Bharat Great Seeds is that it's a voluntary, non-political, educational movement for young people, open to all without distinction of origin, race or creed. Yani ki भारत ग्राइड जो है वो एक वॉलंटरी यानी स्वयंसेवी संस्था है, नॉन पॉलिटिकल ये गैर राजनीतिक है, एजुकेशनल मूवमेंट में शैक्षिक संस्था है जो कि सबके लिए खुली है. उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति का, ना क्षेत्र का, ना किसी धर्म का. अब आ जाइए वॉलंटरी वर्ड. वॉलंटरी वर्ड मीन्स स्वयंसेवी. स्वयंसेवक मीन्स अपनी इच्छा से, यानी कि आप अपनी इच्छा से इस ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल होते हैं. आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता. वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू ज्वाइन अवर ऑर्गेनाइजेशन. इट इज देयर ओन विल टू ज्वाइन द मूवमेंट. बट व्हेन दे विल ज्वाइन द मूवमेंट, दे हैव टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस. देन इट इज नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो दिस रूल और आई विल डू एट माई ओन. नो, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाई द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि आप जो है, जब आपने एक बार ज्वाइन तो कर लिया अपनी मर्जी से, लेकिन वहाँ अंदर आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, आपको जो उसके नियम हैं, जो कायदे हैं, उसके लिए आप जो है जिम्मेदार हैं और आप उसको मानना पड़ेगा. उसके लिए आप बाध्य होंगे मानने के लिए. दूसरा है नॉन पॉलिटिकल यानी गैर राजनीतिक. गैर राजनीतिक मतलब यूनिफॉर्म के अंदर आप किसी भी पार्टी के अंदर, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर किसी प्रतिभागिता नहीं कर सकते. यू कैनॉट पार्टिसिपेट इन यूनिफॉर्म इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज कॉल्ड नॉन पॉलिटिकल. देन द नेक्स्ट इज एजुकेशनल. डेफिनेटली स्काउटिंग इज एन एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द यूथ. सो इट इज एन एजुकेशनल मूवमेंट. ये शैक्षिक संस्था है क्योंकि ये बच्चों को उनके विकास के लिए योगदान करती है. दिस इज डेफिनेशन. नाउ लेट अस गो टू द पर्पज. तो पर्पज जो है हमारा क्या है? तो पर्पज इज दैट भारत ग्राइड्स इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ इन रिगार्ड टू द फिजिकल पोटेंशियल्स, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल्स, सोशल पोटेंशियल्स, इमोशनल पोटेंशियल एंड द स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स. यानी कि भारत ग्राइड जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं युवाओं के विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके बौद्धिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए और साथ में आध्यात्मिक विकास के लिए. अब वो कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल्स के ऊपर. लेकिन ये डेवलप होने से एक्चुअली क्या हुआ? ये डेवलप होने से वो एक अच्छे नागरिक बनते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के एक अच्छे सदस्य बनते हैं. यानी कि बाई डेवलपिंग दीज पोटेंशियल्स इन रिगार्ड टू द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, moral and spiritual, the Bharat Great is helping them to become an active citizen of the country as well as the member of the world society. So this is our purpose. I hope all of you have understood. Then further regarding the principle and the method, that we will discuss in our next